हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 3.4 आरंभ करते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और आपको बताना है कि कौन सी विधि आपके पास अधिक उपयुक्त होगी। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास यहाँ पर चार भाग दिए हुए हैं और चारों भागों में दो दो समीकरण आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पहले भाग को देख लेते हैं। पहले भाग में आपके पास समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहां पर आपको बोला गया है कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से आपको इसको हल करना है। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि तो आपने पिछली प्रश्नावली में सीखा ही था। अब यहां पर विलोपन विधि भी हम यहां पर समझ लेते हैं कि वो क्या होती है। तो विलोपन, ये एक हिंदी शब्द है। विलोपन का मतलब होता है आपको हटा देना है, बेसिकली विलुप्त कर देना, अर्थात गायब कर देना है बेसिकली, या कैंसिल कर देना है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कैसे करेंगे इसको। तो देखिए, यहां पर आपके पास प्रथम समीकरण में x प्लस वाई बराबर 5 है और द्वितीय समीकरण में 2x माइनस 3y बराबर 4 आपके पास दिया हुआ है। तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप समीकरण एक या समीकरण दो में देखेंगे कि एक में x का गुणांक एक है और y का गुणांक भी एक है, लेकिन दो में गुणांक अलग अलग है। तो आप किसी भी एक चर का गुणांक सबसे पहले बराबर बनाएंगे। और वो आप कैसे बना सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यदि आप समीकरण एक में दो का गुणा कर दें तो देखो x के गुणांक दोनों में बराबर आ जाएंगे, और यदि आपने समीकरण एक में तीन का गुणा कर दिया तो y के गुणांक आपके पास बराबर आ जाएंगे। प्लस और माइनस में अंतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। तो देखिए, यहां पर मैं आपको कर देता हूं एक बार, समीकरण एक में हम जैसे दो का गुणा कर देते हैं। तो देखिए, समीकरण एक में यदि आप दो का गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। ध्यान रखें, जब भी आप गुणा करोगे तो आप तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में करोगे, तो आपने वो कर दिया। अब दूसरे वाले समीकरण को आप ऐसे लिख दो, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहां से विलोपन करना है। विलोपन, अब ध्यान आप रखें कि देखिए, यहां 2x है और यहां भी 2x है, और आपने देखा दोनों के चिन्ह प्लस प्लस के हैं, तो आप पहले इस वाले समीकरण में से ये वाला समीकरण घटाएंगे, अर्थात चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे आपके पास। तो आपने देखो चिन्ह परिवर्तित कर दिया। चिन्ह परिवर्तित करने का मतलब है ये जो माइनस चिन्ह है वो इस 2x का हो गया, जो ये प्लस चिन्ह है वो इस 3y का हो गया, और ये जो माइनस चिन्ह है वो इस 4 का हो चुका है। तो अभी आप देखो कि आपके पास ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 3y बराबर, देखो 10। अब ये माइनस 4 हो चुका है, ध्यान रखें, तो ये 10 माइनस 4 6 हो गया। तो यहां से आपको 5y का मान मिल जाएगा 6 के बराबर, अर्थात आपके पास y का मान 6/5 हो जाएगा। अब आपको तो x का मान भी निकालना है। तो देखिए, x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, जैसे हम पहले में रख सकते हैं, दूसरे में रख सकते हैं, इस वाले समीकरण में भी रख सकते हैं यदि हम इसको तीन बोलें तो। बस ये ध्यान रखें कि पहला और तीसरा समीकरण बेसिकली एक ही है, बस हमने दो का गुणा ही तो कर दिया है, तो वो दोनों बेसिकली एक ही समीकरण है। तो आप किसी भी एक समीकरण में वाई का मान रख दो और आपके पास एक्स का मान आ जाएगा। तो देखिए, समीकरण एक में आप वाई का मान रख दो, तो समीकरण एक से, तो देखिए समीकरण एक से आप देखोगे कि x प्लस वाई का मान अब आप 6/5 रख दिया, बराबर 5 आ जाएगा। तो यहां से देखो x बराबर 5 माइनस 6/5 आ जाएगा। जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास 25 माइनस 6 अर्थात 19/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का मान आपके पास 19/5 आ जाएगा। तो यहां से आपको x और y के मान निकालने को ही बोला गया था, क्योंकि हल करने का मतलब यही होता है कि आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। अब यहां से ये हमने विलोपन विधि तो समझ ली। अब यहां पर मैं विलोपन विधि का भी एक दूसरा मेथड आपको समझा देता हूं। तो इसको यदि मैं मेथड वन लिख देता हूं, तो विलोपन विधि अभी हम सीख रहे हैं मेथड टू से। तो मेथड टू कोई अलग मेथड नहीं है, मेथड तो आपके पास विलोपन विधि ही है, लेकिन कुछ छात्रों को यह संदेह रहता है कि क्या हम दो का गुणा ही कर सकते थे, क्या हम तीन का गुणा नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल आप तीन का गुणा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपने समीकरण एक में तीन का गुणा कर दिया, तो ध्यान रखें गुणा जो होता है वो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों में होता है। तो देखिए, आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 15। और देखो, द्वितीय समीकरण जो था ये तो आप सीधे ऐसे लिख दोगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहां से आपको समझ में आया कि अगर आप चिन्ह को ध्यान ना दें तो देखो 3y यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो आप y को हटाओगे, अर्थात y को विलुप्त करोगे। तो आपको सोचना है कि ये कैसे विलुप्त हो सकता है। तो
तो अभी आप देखो कि यदि आप इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि देखो ये प्लस का 3y है और ये माइनस का 3y है, तो देखो इनको जोड़ दोगे तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे बेसिकली, और आपके पास बच जाएगा यहां से देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 5x बराबर, इन दोनों को भी जोड़ना ही पड़ेगा तो 15 प्लस 4 अर्थात 19 आ जाएगा, तो x बराबर 19 बटे 5 आपके पास आ जाएगा। अब आप x का मान किसी भी समीकरण में एक में रख दो, तो देखो अगर आपने एक में रखा तो x प्लस वाई बराबर 5 है आपके पास, तो y बराबर 5 माइनस x हो जाएगा अर्थात 19 बटे 5, तो ये आपके पास 6 बटे 5 आ जाएगा। इस तरीके से y का मान आपके पास 6 बटे 5 हो जाएगा। तो आपने देखा चाहे आप विलोपन किसी का भी करें, x का करें चाहे y का करें, दोनों में आपके पास समान उत्तर ही आ रहे हैं। चलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हल कर लेते हैं अलग से। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम पहले भाग को हल करते हैं, जो कि आपने पिछली प्रश्नावलियों में सीखा भी है प्रतिस्थापन विधि। देखिए आपने सीखा था कि दो समीकरण थे, सबसे पहले तो आपके पास x प्लस वाई बराबर 5 और एक था 2x माइनस 3y बराबर 4। तो आप किसी भी एक समीकरण से x या y का मान अलग से निकाल लो, तो आप देख रहे हो अगर आप पहले समीकरण से x या y का मान निकालोगे अलग से तो वो काफी आसान होगा क्योंकि गुणांक एक है। तो देखिए यहां से आपके पास आ जाएगा x बराबर 5 माइनस y। अब आप इस x को यहां पर रख दोगे तभी तो आप प्रतिस्थापन बोलोगे। तो देखो 2x का मान आपने 5 माइनस y रखा, माइनस 3y बराबर 4 आपके पास ये हो जाएगा। तो देखिए यदि आप इसका गुणा करोगे 2 का 5 माइनस y में तो आपके पास 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो 10 माइनस 5y बराबर 4 आ गया। अब आप देखिए कि 5y को तो यदि आप दाईं तरफ पक्षांतर कर दें और 4 को बाईं तरफ पक्षांतर कर दें तो आपके पास 10 माइनस 4 बराबर प्लस का 5y आ जाएगा। तो यहां से 5y बराबर 6 आ गया अर्थात y का मान आपके पास 6 बटे 5 आ जाएगा। अब यहां से आप देखें कि अगर आप किसी भी एक समीकरण में y का मान रख दें, जैसे हमने मान लीजिएगा इसी में रख दें तो सीधे x मिल जाएगा आपको, तो 5 माइनस y का मान था 6 बटे 5 तो x बराबर 25 माइनस 6 बटे 5 अर्थात x का मान आपके पास 19 बटे 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि किसी भी विधि का यूज करें आपके पास x और y के मान तो समान ही आएंगे। अब आप ये देखो कि आपको प्रश्न में ये भी बोला गया था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो ये बिल्कुल आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी विधि सरल लग रही है गणना के हिसाब से। लेकिन जैसे हम यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर अपने पास दोनों ही विधि काफी आसान है, प्रतिस्थापन विधि भी आसान है और विलोपन विधि भी यहां पर आसान है। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में आपको समीकरण दिए हुए हैं 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो सबसे पहले तो हम यहां पर विलोपन विधि समझ लेते हैं। तो विलोपन विधि, तो देखिए विलोपन विधि में ध्यान रखना होता है आपको कोई एक गुणांक आपको बराबर करना होता है, चिन्ह का भले ही आप ध्यान ना रखें लेकिन न्यूमेरिकली अच्छा गणितीय रूप में तो आपको बराबर करना ही होता है। तो देखिए अगर आप समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दो तो मैं पहले समीकरण को तो ऐसे लिख देता हूं और यहां पर मैं समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देता हूं। तो देखिए इसको तो आपने पहला समीकरण ही बोलना है क्योंकि ये तो वैसे ही लिख दिया जैसा था और ये आपके पास हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4 आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 3 बोल दीजिएगा अर्थात दूसरा और तीसरा समीकरण देखने में भले ही आपको अलग लग रहे हैं लेकिन वो एक ही समीकरण है आपके पास। तो देखिए यहां से आपको समझ में भी आ गया होगा कि प्लस का 4y है और यहां माइनस का 4y है, तो अब आपको घटाना नहीं होगा आपको केवल जोड़ना होगा तभी तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखो इनको भी जोड़ोगे 3x और 4x जोड़ के 7x हो जाएगा और इसी तरीके से 10 और 4 को जोड़ोगे तो आपके पास 14 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास x का मान 2 आ जाएगा। अब आप x का मान किसी भी समीकरण एक में रख दो या दो में रख दो या तीन में रख दो आपके पास y आ जाएगा। जैसे अगर हम समीकरण एक में रख देते हैं तो देखिए आपके पास आ जाएगा 3 गुणा x का मान आपने 2 रख दिया प्लस 4y बराबर 10। तो देखो 4y बराबर ये आपके पास आ गया 10 माइनस 6 क्योंकि 3 गुणा 2 तो 6 ही होता है और आपने पक्षांतर भी कर दिया तो यहां से 4y बराबर 4 आपके पास आ जाएगा और इस तरीके से आपके पास y का मान 1 आ जाएगा।
तो यहां से आपने x का मान 2 और y का मान 1 ज्ञात कर लिया। तो अभी देखिए आपने विलोपन विधि तो समझ ली, अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लेते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने का मतलब है कि आपको एक जगह से x या y की वैल्यू उठाकर दूसरे समीकरण में रख देनी है। तो अगर आप पहले समीकरण से आपको दिया हुआ था 3x प्लस 4y बराबर 10, तो आप यहां से x का मान निकालें तो वो आ जाएगा 10 माइनस 4y और ये 3x के बराबर आ गया। तो x का मान 10 माइनस 4y बटे 3 आ जाएगा। तो अभी आप देखो कि अगर आप दूसरे वाले समीकरण और इस x को हल करोगे, अर्थात x की जगह अब आप रख दोगे 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। तो देखो आप इसको सरल करो तो देखो 3 आपके हर में आ रहा है, तो यहां पर जबकि हर कुछ नहीं लिखा है तो आप तो 1 मानते हो। तो ये आपके पास हो जाएगा 20 माइनस 8y माइनस 6y, क्योंकि आपने लासापा ले लिया, बटे 3 बराबर 2 आ गया। तो देखिए 20 माइनस 14y बराबर आपके पास 3 गुणा 2 अर्थात 6 आ जाएगा। तो 14y बराबर 20 माइनस 6 अर्थात 14 आपके पास आ गया। तो अब 14y बराबर 14 तो आपको दिख गया, तो आपके पास आ जाएगा y बराबर 1। तो अब चूंकि y बराबर 1 आपके पास आ गया, तो अभी आप किसी भी समीकरण में y का मान रख दो, जैसे हम इसी में रख देते हैं। तो आपके पास x था यहां पर 10 माइनस 4y बटे 3। तो देखिए x बराबर 10 माइनस y की जगह आप 1 रख दोगे तो 4y अर्थात 4 गुणा 1 4 हो जाएगा बटे 3। तो ये देखो 6 बटे 3 आ गया। और देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास x का मान 3 से 6 ये दो बार कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 2 आपके पास आ जाएगा। तो आप यहां पर भी देख पा रहे हो कि x का मान और y का मान आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से निकालो चाहे विलोपन विधि से, हर केस में सेम ही आएगा। और आपको इसी प्रश्न में नहीं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप कभी भी ऐसे हल करोगे तो x और y का मान आपके पास हमेशा बराबर ही आता है। देखिए अब तीसरे भाग में आप देखो कि आपको यहां पर भी देखिए दो समीकरण दिए हुए हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 2y बराबर 7। अब यहां से आप देखो कि पहले समीकरण में तो जो अचर पद है वो बराबर के बाएं पक्ष में है और यहां पर आप देखो 7 जो है वो दाएं पक्ष में लिखा है। तो सबसे पहले तो आप इसको बराबर कर लो और तो देखिए आपके पास जो पहला समीकरण आ जाएगा वो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4। तो देखिए समीकरण पहला ही है, बस आपने इस 4 को बाई तरफ दाईं तरफ पक्षांतर कर दिया और दूसरा समीकरण 9x माइनस 2y बराबर 7 आ चुका है, इसको आप दूसरा समीकरण मान लो। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप विलोपन विधि का यूज करें तो विलोपन विधि में आपने सीखा था कि आपको किसी एक चर अर्थात x और y के गुणांक बराबर कैसे भी ना कैसे बनाने पड़ेंगे और फिर आप कैंसिल करते हो उन्हें। तो देखो यहां पर सबसे अच्छा तरीका आपको यह मिल रहा है कि यदि आप पहले समीकरण में 3 का गुणा कर दें, तो आपको देखो यहां पर 3 का गुणा यदि आप करोगे तो आपके पास ये 9x हो जाएगा। तो आप देखो ये भी आपके पास 9x ही है, तो ये बराबर आपके पास बन जाएंगे। तो आपने समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दिया तो आपके पास हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर, देखिए 4 में भी आप 3 का गुणा करोगे तो ये 12 आ गया। इसी तरीके से आप देखो ये आपने मान लो तृतीय समीकरण बोल दिया, ये है भले ही पहला समीकरण की जैसा ही, देखने में भले ही अलग लग रहा है, लेकिन आपने इसको तीसरा बोल दिया और दूसरा समीकरण आपने लिख दिया 9x माइनस 2y बराबर 7, ये आपके पास दूसरा समीकरण ही था। तो अब आपको इसको हल करना है। तो देखिए यहां से आपको 9x और 9x दिखाई दे गया लेकिन दोनों के चिन्ह भी एक जैसे हैं, तो यहां पर आपको जोड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, यहां पर आप घटाएंगे। तो मैं लिख भी देता हूं घटाने पर, अब घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो अभी देख कुछ भी चिन्ह नहीं है अर्थात ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है घटाने पर, ये माइनस है तो ये आपके पास देखो प्लस हो गया, यहां कुछ भी नहीं है अर्थात प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। फिर आप देख रहे हो 9x से ये माइनस का 9x कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखो ये आपके पास माइनस 15y और ये प्लस का 2y बन चुका है अर्थात माइनस का 13y आ गया बराबर। ये देखिए 12 है माइनस 7, ये आपके पास 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से y का मान आपके पास माइनस का 5 बटे 13 हो जाएगा। तो अब देखिए आपने y का मान तो आसानी से निकाल लिया, अब आप किसी भी एक समीकरण में y का मान रख दोगे तो आपके पास x का मान आ जाएगा। चलिए जैसे हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 से तो आपके पास 3x माइनस 5y है अर्थात 5, y की जगह आपने माइनस 5 बटे 13 रख दिया बराबर 4 आ गया। तो देखो ये माइनस और ये माइनस
गुणा करके प्लस हो जाएगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 3x गुणा 13 प्लस 25 बटे 13 गुणा सॉरी बराबर 4, क्योंकि आपने लाफापा ले लिया तो वो 13 आया है। यहां से 39x प्लस 25 बराबर 13 गुणा 4 अर्थात 52 आ जाएगा, तो 39x बराबर आपके पास 27 आ गया यहां से, क्योंकि 52 माइनस 25 यदि आप करोगे तो वो 27 आएगा। तो x आपके पास यहां से देखिए 27 बटे 39 आ जाएगा, और यदि आप 3 से इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास ये 9 बटे 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने x का मान भी निकाल दिया है विलोपन विधि से। x का मान 9 बटे 13 आया है और y का मान माइनस का 5 बटे 13 आया है। अब देखिए आपने विलोपन विधि से तो हल कर दिया, अब आपको यहां इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से भी अब इसको हल करते हैं। तो मैं यहां पर बना देता हूं लाइन। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि यहां लिख देते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में आप मान लीजिएगा पहले समीकरण से x का मान निकालते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 3x बराबर 4 प्लस 5y, अर्थात x का मान आपके पास 4 प्लस 5y बटे 3 आ जाएगा। अब आप इस x का मान और इस समीकरण दो को हल करो, तो देखिए आप x का मान लगा दोगे बेसिकली समीकरण दो में, तो आपके पास आ जाएगा 9 गुणा x का मान 4 प्लस 5y बटे 3, देखो माइनस 2y बराबर 7 आप ऐसे लिख दो। तो अभी आप ये देखो कि यहां से 3 से 9 ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 12 प्लस 15y माइनस 2y बराबर यहां से 7 आ जाएगा। देखो ये हल करोगे तो 13y बराबर, अब देखो 12 को आप दाईं तरफ पक्षांतर भी तो करेंगे, तो 7 माइनस 12 अर्थात माइनस 5 आ जाएगा। तो 13y बराबर माइनस 5 आया, तो y का मान आपके पास माइनस का 5 बटे 13 आ जाएगा। तो आपने y का मान निकाल दिया। अगर अब आप y का मान कहीं भी किसी समीकरण में रख दो तो आपके पास x आ जाएगा। तो देखिए जैसे हम यहीं पर रख देते हैं x में, तो देखिए x बराबर आपके पास आ जाएगा यहां से 4 प्लस 5y अर्थात माइनस का 25 बटे 13 आ गया, बटे 3 आ गया ये। तो देखिए x बराबर ये आ गया 13 गुणा 4 अर्थात 52 माइनस 25, तो ये 27 बटे 39 आ गया। तो देखो ये 9 बटे 13 आपके पास आ जाएगा। तो बस आपको यहां से x का मान भी मिल गया जो कि आपके पास 9 बटे 13 आया है। तो आप देख भी सकते हैं x और y के मान बिल्कुल सेम ही आ रहे हैं जैसे कि आपके पास विलोपन विधि से आए थे। अब यहां पर यदि ये वाली बात आती है कि कौन सी विधि ज्यादा आसान है, तो ये पूरा का पूरा आप पर निर्भर करता है। वैसे अगर देखा जाए तो अपने पास यहां पर विलोपन विधि काफी आसान है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में या अपॉन में अर्थात हर में जब भी कुछ आ जाता है तो वो थोड़ा कठिनाई पैदा तो करता है गणना करने में। चलिए अब हम सबसे अंतिम भाग पर चलते हैं इसी प्रश्न के, चौथे भाग पर। तो देखिए चौथे भाग में सबसे पहले मैं यहां पर इसको पार्टीशन कर देता हूं। तो आप देखो चौथे भाग में आपको एक समीकरण दिया है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस 1, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x माइनस y बटे 3 बराबर 3। तो अभी आप ये देखो कि समीकरण एक में यदि आप 2 का गुणा कर दो तो आपको क्या जाएगा देख सकते हैं। तो 2 का गुणा यदि आप इस वाले समीकरण में करोगे तो 2 गुणा x बटे 2 अर्थात x प्लस 4y बटे 3 बराबर माइनस 2 आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 3 बोल दो। ध्यान रखें अभी हम विलोपन विधि यूज कर रहे हैं। अब आप समीकरण 2 को ऐसे ही रख दो, क्योंकि देखो आपके पास यहां से x और x देखो समान दिखने लगा है, यहां से आप देख सकते हो x और x समान आ गया। अब चूंकि ये समान आ गया तो अब आपको इनको तो घटाना होगा, क्योंकि घटाने पर ही तो ये आपके पास कैंसिल आउट होंगे। तो देखो ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने चिन्ह परिवर्तित करने होते हैं घटाने पर। तो देखिए ये आपके पास x से x कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा 4y बटे 3 प्लस y बटे 3 बराबर माइनस 2 माइनस 3। तो देखिए 5y बटे 3 बराबर माइनस 5 आपके पास आ गया। तो यहां से देखिए y बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस 5 गुणा 3 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, तो y का मान माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए y का मान तो आपने आसानी से निकाल लिया, अब आपको x का मान निकालना होगा। तो
तो आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, जैसे मैं दूसरे समीकरण में रख दूं तो काफी आसान हो जाएगा मेरे को जहां तक लगता है। तो देखिए दूसरा समीकरण था आपके पास एक्स माइनस वाई बटे तीन बराबर तीन, में आप वाई बराबर माइनस तीन रखने, तो आपने रख दिया इसमें, तो देखो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई की वैल्यू माइनस तीन बटे तीन बराबर तीन आ गया। तो देखो ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो देखिए आपके पास आ जाएगा x, अब यहां कुछ भी नहीं अर्थात वन बचा है बेसिकली, तो x प्लस वन बराबर तीन आया, अर्थात आपके पास x का मान दो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने x का मान भी निकाल दिया है। तो बेसिकली इस प्रश्न को हल करना था, अर्थात x और y के मान निकालने थे, तो x का मान दो आया और y का मान माइनस तीन आपके पास आ चुका है। लेकिन अभी तो केवल आपने विलोपन विधि हल करी है, अभी आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना होगा। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से भी अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि हम यहां हल करते हैं इस प्रश्न के लिए। अब आप देखो प्रतिस्थापन विधि में आपको किसी एक समीकरण से x और y के अलग से मान चाहिए होते हैं। तो आप देखो यदि आप दूसरे समीकरण से x का मान अलग से निकालो तो वो काफी सरल आपके पास पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए समीकरण दो से आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई बटे तीन बराबर तीन है, तो देखो x बराबर आपके पास आ गया तीन प्लस वाई बटे तीन, इसको आप समीकरण संख्या तीन बोल दीजिएगा या कुछ और समीकरण दे दीजिएगा। अभी आप ये देखो कि प्रश्न में अगर आप पहले समीकरण और यहां पर जो आपने तीसरा समीकरण निकाला है इसको हल करें, तो यहां पर समीकरण एक व तीन से, तो आप देखो कि आप x का मान रख दोगे यहां पर, तो वो था आपके पास समीकरण एक, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, x बटे दो प्लस दो वाई बटे तीन बराबर माइनस एक था। तो आप x का मान यहां से उठाकर इस वाले समीकरण में रख दोगे तो आ जाएगा तीन प्लस वाई बटे तीन बटे दो प्लस दो वाई बटे तीन बराबर माइनस एक। तो देखो जब आप इसको सरल करोगे तो आ जाएगा नौ प्लस वाई बटे छः प्लस दो वाई बटे तीन बराबर माइनस एक। अब आपने देखा यहां पर हर में छः है और यहां पर हर में तीन है, अर्थात लाचापा तो आपको लेना ही होगा। तो देखो नौ प्लस वाई प्लस ये देखो चार वाई बटे छः हो जाएगा बराबर माइनस एक, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये पांच वाई आ गया। अब छह का गुणा तो आप माइनस एक से कर सकते हो, तिरछा गुणा, तो ये आ गया। अब देखिए यहां से पांच वाई बराबर माइनस छह माइनस नौ आ जाएगा, अर्थात माइनस पंद्रह आपके पास यहां से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो कि आपके पास y का मान आ जाएगा माइनस पंद्रह बटे पांच, अर्थात आपके पास जो y का मान होगा वो माइनस तीन के बराबर आ जाएगा। अब चूंकि आपने y का मान तो निकाल दिया और आपको प्रश्न हल करना था, अर्थात आपको x का मान भी निकालना होगा, तो आप देखो इस समीकरण संख्या तीन का सहारा लोगे। तो समीकरण संख्या तीन आपके पास दिया हुआ है, यहां लिख भी देते हैं समीकरण तीन से, तो x बराबर आपको दिया हुआ है तीन प्लस वाई बटे तीन। तो अब आप y का मान यहां से उठाकर यहां लगा दोगे तो x बराबर देखो ये आपके पास आ जाएगा तीन प्लस y का मान आप माइनस तीन लगा दो बटे तीन, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो एक बचा बेसिकली, तो x बराबर तीन माइनस एक बचेगा, अर्थात आपके पास x का मान दो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रतिस्थापन विधि से भी x और y के मान हल कर दिए हैं और आपके पास ये वही मान आ रहे हैं जो आपने विलोपन विधि से निकाले थे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या दो पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको यह बात गौर करनी है कि आपको जो विधि यूज करनी है हल करने पर वो विलोपन विधि यूज करनी है। चलिए अब हम पहले भाग पर बढ़ते हैं। इस भाग में आपको बोला गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न आपके पास एक में बदल जाती है, अर्थात भिन्न एक बन जाएगी। और द्वितीय कथन में बोला गया है यदि हर में आप एक जोड़ दो तो यह एक बटे दो आपके पास हो जाती है। तो आपको बताना है कि वह भिन्न आपके पास क्या होगी। तो अभी आप देखो कि पहले भाग में अगर आप यहां पर भिन्न के बारे में बात की जा रही है तो आप सबसे पहले भिन्न मान लीजिएगा और आपने भिन्न मानी है x बटे वाई।
अब यहां से आप समझ रहे हो जो ऊपर लिखा होता है उसको आप अंश बोलते हो, तो x आपके पास अंश हो जाएगा, और जो नीचे होता है उसको आप हर बोलते हो, तो y यहां से आपके पास हर हो जाएगा। तो देखिए आपने एक तरीके से भिन्न तो मान ली x बटे y। अब आप पहला कथन देख रहे हो तो आपको बोला गया है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। तो अंश में एक जोड़ना है अर्थात x प्लस एक बटे, अब आप हर में एक घटा रहे हो आप देख सकते हो, अर्थात y में से आप एक घटा रहे हो तो y माइनस एक कर दिया। तो आपको बोला गया है कि जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भिन्न है वो अब एक बन गई। तो अभी आप देखो इसको सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वन बराबर वाई माइनस वन, क्योंकि आप तो तिरछा गुणा करते हो तो इसके नीचे तो कुछ भी नहीं अर्थात वन ही लिखा जाता है। तो आप देखो कि आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई बराबर, अब आप इस एक को बाई तरफ सॉरी दाई तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस दो आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या एक बोल दीजिएगा, मैं एक को नंबर में लिख देता हूं। अब देखिए आप द्वितीय शर्त पर बढ़ेंगे अर्थात द्वितीय कथन की तरफ बढ़ेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है, उसमें आपको बोला गया है कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो आपने हर में तो एक जोड़ दिया अर्थात वाई में एक जोड़ दिया, तो यह एक बटे दो आ जाती है। अर्थात अंश के बारे में आपको द्वितीय कथन में कुछ भी नहीं बोला गया है, इसका मतलब यह हुआ कि आप अंश में कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, मतलब अंश को आप एक्स ही रहने दें। तो ये जो भिन्न है वो एक बटे दो हो जाएगी, तो आपने एक बटे दो कर दिया। तो देखो जब आप तिरछा गुणा करोगे तो आपके पास दो एक्स बराबर वाई प्लस वन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां से आपके पास दो एक्स माइनस वाई बराबर एक आ जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या दो बोल दीजिएगा। तो जब आप इसको हल करोगे तो आप देख रहे हो एक व दो को आपको विलोपन विधि से हल करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देखो वाई का जो गुणांक है यहां पर भी माइनस एक है, यहां पर भी माइनस एक है। अगर आप माइनस को ध्यान में ना रखें तो आपको यह पता लग गया एक और एक तो है ही, तो यहां पर बराबर बैठ रहा है। तो यहां पर हम इसी के नीचे जैसे यहां पर लिख देते हैं दो एक्स माइनस वाई बराबर एक, आप दो तीय के नीचे पहला वाला भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप देखो आपको इसको हल करना है, तो आपको यह समझ में आ गया कि वाई को आपको विलोपन करना पड़ेगा क्योंकि समान आपको दिख गया है, तो आप यहां पर घटाएंगे। तो घटाने पर ये अभी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये कुछ भी नहीं अर्थात प्लस का है तो ये माइनस हो गया। तो देखो एक्स माइनस दो एक्स आपको करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं। अब देखो ये माइनस वाई है और ये आपके पास प्लस वाई है तो कैंसिल हो गया। अब ये देखो ये आपके पास माइनस दो माइनस एक बच गया, तो यहां से माइनस एक्स बराबर माइनस तीन आया अर्थात एक्स बराबर आपके पास तीन आ जाएगा। तो यहां से आपने एक्स का मान निकाल दिया, अब आप समीकरण संख्या एक का सहारा ले सकते हैं। तो समीकरण एक से आप देखो आपके पास समीकरण एक थी x माइनस वाई बराबर माइनस दो, तो तीन माइनस वाई बराबर माइनस दो आ जाएगा अर्थात y बराबर तीन प्लस दो मतलब पांच आ जाएगा। तो ये तो आपके पास x और y आए अर्थात ये तो अंश और हर के मान आए हैं, लेकिन आपको तो पूरी की पूरी भिन्न बतानी है, तो इसलिए यहां पर जो अभीष्ट भिन्न होगी मैं यहां पर लिख देता हूं। अभीष्ट भिन्न तो आपने एक्स बटे वाई मानी थी, तो वो आपके पास देखो x का मान तीन है और y का मान आपके पास पांच है, तो अभीष्ट भिन्न आपके पास तीन बटे पांच हो जाएगी। तो देखिए मैं यहां पर इसको शेड भी कर देता हूं कि ये आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम द्वितीय भाग पर बढ़ते हैं इस प्रश्न के। द्वितीय भाग में आपको बोला गया है कि पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी, जबकि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो यहां पर आप देखो कि आप नूरी की सबसे पहले वर्तमान आयु मान लीजिएगा, ऐसे सवालों में आप सबसे पहले तो वर्तमान आयु ही मानेंगे। तो आपने नूरी की वर्तमान आयु x मान ली, और अब आप सोनू की भी वर्तमान आयु मान लेंगे, तो सोनू की आपने वर्तमान आयु y मान ली। अब यहां पर स्वाभाविक सी बात है कि अगर इनकी मात्रक की बात की जाए तो वो वर्ष में ही आएगा। अब कभी कभार इसमें ये बच्चों को संदेह रहता है कि कैसे पता लगेगा कि वर्ष में आएगा, तो आप देखो प्रश्न में आपको वर्ष कहीं ना कहीं एक बार दे दिया है, तो आप वर्ष की ही बात यहां पर करेंगे। तो अब देखिए पहली कंडीशन आपको दी हुई है पांच वर्ष पूर्व की, तो पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु तो एक्स माइनस पांच हो जाएगी, और तो सोनू की आयु भी तो पांच वर्ष पूर्व वाई माइनस पांच हो जाएगी। फिर आपको बोला गया कि नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी, अर्थात ये बराबर तो तब आएगा जब तीन का गुणा आप सोनू की आयु में कर देंगे। तो देखिए अगर आप इसको सरल करोगे तो x माइनस पांच बराबर तीन वाई माइनस पंद्रह आ जाएगा, अर्थात x माइनस तीन वाई बराबर माइनस पांच को आप दाईं तरफ पक्षांतर करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस दस के बराबर।
इसको आप समीकरण संख्या एक मान लो। अब इसी तरीके से आप देखो कि द्वितीय कथन आपके पास क्या दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात, तो देखिए वर्तमान आयु x और y है, तो 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 और y प्लस 10 हो जाएंगी। फिर आपको बोला गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, अर्थात ये बराबर तो तब आए जब ये दो का गुणा हमने इधर कर दिया सोनू की आयु में, तभी तो वो नूरी की आयु के बराबर आएगा। तो यहां से आप देखो कि आपके पास आ जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो देखिए x माइनस 2y बराबर, देखिए 10 को आप दाईं तरफ पक्षांतर करोगे तो आपके पास ये 10 बचेगा इधर, तो आपने इसको समीकरण संख्या 2 बोल दिया। फिर आपने देखा कि समीकरण 1 व 2 में आपको यहां भी x है और यहां भी x है, अर्थात अगर गणना में आप देखोगे इनके गुणांक अर्थात मापांक वाली वैल्यू देखोगे तो वो 1-1 आपको दिखाई दे गई। तो आप समीकरण 1 व 2 को एक दूसरे के नीचे लिख दें, तो यहां से आपने लिख दिया। अब आप इनको हल करोगे तो आपको यहां से ये तो समझ में आ गया कि x का आपको विलोपन करना होगा, अर्थात अब आपको यहां पर घटाना होगा क्योंकि यहां पर दोनों जगह प्लस प्लस है। तो चूंकि देखो यहां प्लस है, घटाने पर ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि आप अगर इसको पहला बोलोगे इसको दूसरा बोलोगे तो आप पहले में से दूसरा घटा रहे हो, तो ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया क्योंकि यहां प्लस था। तो देखो ये आपके पास कैंसिल हो गया, ये आपके पास माइनस का 3y प्लस 2y बराबर माइनस 10 माइनस 10 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 20, अर्थात वाई बराबर 20 आपके पास यहां से आ जाएगा। अब ये तो वाई का मान आया, आपको तो एक्स का मान भी निकालना होगा, तो आप किसी भी एक समीकरण में एक्स का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं समीकरण 2 का यूज कर रहा हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 2 का उपयोग करने पर। तो देखिए समीकरण 2 का यदि आप उपयोग करेंगे तो आप लिखेंगे x माइनस 2 गुणा वाई अर्थात 20 लिख दिया बराबर 10। तो देखो x बराबर 10 प्लस 40 आ जाएगा, इसका मतलब आपको 10 और 40 जोड़ना होगा, तो आपके पास जो x आएगा वो 50 आ जाएगा। अब x और y आपके पास आ चुके हैं, अर्थात अब देखिए जो नूरी की वर्तमान आयु थी, आप देखिए आपको आयु पूछी गई है अर्थात वर्तमान आयु पूछी गई है, तो नूरी की आयु आपने x मानी थी अर्थात वो 50 वर्ष हो जाएगी, और सोनू की आयु आपने y मानी थी अर्थात वो 20 वर्ष आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये वाला भाग भी हल कर दिया है। तो अब देखो तीसरे भाग पर हम बढ़ते हैं। इस भाग में आपको बोला गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, जबकि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहां पर सिद्धांत एक समझ लेते हैं कि आप संख्याएं कैसी मानेंगे। तो देखिए अगर आप कोई भी, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बोलता हूं, अगर आपने एक संख्या 45 मानी है, 45 या कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा मैंने यहां पर 23 ही मान ली, तो यहां पर आप देखिए संख्या के अंकों का योग, क्योंकि छात्रों को इसमें थोड़ा दिक्कत आती है इसलिए मैं यहां पर इसको समझा रहा हूं। तो संख्या के अंकों का योग का मतलब होता है आपको 2 और 3 को जोड़ देना है, तो देखिए यहां पर ये 5 आया है। अगर आप लेकिन संख्या लिखोगे तो संख्या वैसे तो आपके पास 23 लिखी हुई है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आप इसको लिखोगे 2 × 10 + 3, अर्थात आप 20 + 3 लिखते तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ये आपने दो अंकों की संख्या मानी है। इसी तरीके से आप उदाहरण के तौर पर देखो, अगर आप कभी 3 अंकों की संख्या भी माननी हुई, तो अगर जैसे आपने 146 लिखा तो आप इसको लिखोगे 1 × 100 + इस 4 को लिखोगे आप 4 × 10 + इसको आप लिखोगे 6 × 1, तभी तो देखो आपके पास 146 बनेगा। तो देखिए अगर आपसे कभी भी बोला जाएगा कि आपको संख्या माननी है तो आप संख्या को हमेशा इस तरीके से मानेंगे, मतलब 10x + y या 100x + कुछ भी इस तरीके से आप मानेंगे। तो आप देखो यहां पर आपको दिया हुआ है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो आपको बोल दिया गया कि दो अंकों की संख्या आपको माननी है। तो देखिए माना संख्या जो कि दो अंकों की है वो आपने मान ली 10x + y। तो अब यहां से आप समझ सकते हो 10x + y का मतलब, अगर आपको संख्या देखोगे तो देखने में वो कुछ ऐसी टाइप की लगेगी। तो आप देखो इस संख्या को आप 10x + y ही लिखोगे, अर्थात इकाई का अंक आपके पास यहां पर y हो जाएगा और दहाई का अंक x हो जाएगा। तो यहां से आपको ये तो समझ में आ गया। अब आप देखो कि संख्या चूंकि आपके पास दिखेगी तो x y तरीके की,
ध्यान रखें ये घोड़ा नहीं है आपके पास, ये केवल देखने में ऐसी दिखेगी आपको। फिर आपको बोला कि संख्या के अंकों का योग 9 है आपके पास, अर्थात x प्लस वाई आपके पास 9 आ चुका है। तो देखिए ये पहला आपको समीकरण मिल चुका है, यहां से आप देख सकते हो। अब आगे आपको बोला गया है इस संख्या का यदि आप 9 गुना कर दो, अर्थात संख्या तो आपके पास 10x प्लस वाई थी तो आपने इसका 9 गुना कर दिया। फिर बोला गया है कि ये जो संख्या आई है वो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो देखिए अगर संख्या अभी एक्स वाई है तो अंक पलट दोगे मतलब वाई एक्स हो जाएगी, तो ये तो आपके पास ऐसी दिखाई देनेगी, लेकिन अगर आप संख्या देखोगे कि आखिर लिखी कैसे जाएगी तो वो 10y प्लस एक्स लिखी जाएगी। आप देख सकते हो क्योंकि यहां पर इकाई का अंक एक्स बन जाएगा और दहाई का अंक वाई बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो ये 10y प्लस एक्स आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो आप एक बार इसको और देख लीजिएगा कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब जो आपने संख्या मानी थी तो आपने इसका देखो 9 गुना किया और वो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो आपने पलटी संख्या और उसके 2 गुने के बराबर इसको यहां पर कर दिया है, तभी आपने देखिए बराबर का चिन्ह लगाया। तो देखिए अगर आप इसको सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। तो देखिए आपके पास यहां से ये हो जाएगा 88x बराबर 11y। तो देखो x गुणा 8 बराबर y आ जाएगा क्योंकि 11 से आप 88 को कैंसिल कर देंगे 8 बार, तो आप देखो 8x माइनस y बराबर 0 आपके पास आ जाएगा। तो आप देखो पहले और दूसरे समीकरण में आपको y के गुणांकों का अगर आप गणितीय मान देखोगे तो यहां 1 है और यहां भी 1 है, अर्थात अब आप इनको विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको मैं समीकरण 2 को समीकरण 1 के नीचे ही यहां पर लिख देता हूं। तो अब देखो आपको यदि घटाना है तो घटाने पर आप देखो प्लस वाई में से अब ये प्लस वाई हो जाएगा तो ये कैंसिल तो नहीं होगा, अर्थात अब आपको यहां पर जोड़ना होगा। तो देखिए जब आप जोड़ेंगे तो ये प्लस वाई से माइनस वाई आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x प्लस 8x बराबर, देखो ये 9 प्लस 0 बन जाएगा जोड़ने पर। तो देखिए ये 9x बराबर 9 आ गया, अर्थात x का मान आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब देखिए x का मान तो आपके पास 1 आ गया है, अभी आप y का मान भी निकालेंगे तो आप किसी भी एक समीकरण का सहारा ले सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो समीकरण 2 का सहारा ले सकते हैं, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपके पास आ जाएगा 8 गुणा एक्स अर्थात 1 माइनस वाई बराबर 0, अर्थात वाई बराबर आपके पास 8 आ जाएगा। तो आपने एक्स और वाई तो निकाल दिए, अब चूंकि आपको तो संख्या लिखनी थी इसलिए आपके पास जो अभीष्ट संख्या होगी, अब वो देखिए आपने तो 10x प्लस वाई मानी है, आप देख सकते हो, तो वो संख्या 10x प्लस वाई तो है जो आपने मानी है, बस आप x और y का मान लगा दोगे तो आपके पास ये हो जाएगी 10 गुणा 1 प्लस वाई अर्थात 8, तो ये 18 के बराबर आपके पास आ जाएगी। तो यहां से आपका ये प्रश्न तो हल हो जाएगा। अब यहां पर इस प्रश्न को एक बार हम जांच कर आपको दिखा देते हैं क्या हमने सही निकाला है या गलत है, क्योंकि आपको और अच्छे से इस प्रश्न की प्रस्तावना क्लियर हो जाएगी। तो आप देखिए आपको बोला गया था कि दोनों संख्याओं के अंक, दो अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 है। तो आप देखो 1 और 8 के अंकों का योग आपके पास 9 दिखाई दे रहा है। चलिए पहला कथन तो आपका सही आ रहा है जांचने पर। फिर आप देखिए आपके पास जो संख्या है वो तो 18 आई है। अब आपको बोला गया है कि संख्या का 9 गुना अर्थात 18 का 9 गुना, तो आपने देखा वो 162 आया। फिर आपको बोला गया कि संख्या के अंकों को यदि हम पलट दें, तो देखिए 1 और 8 को यदि आप पलट दोगे तो आपके पास वो 81 आ जाएगा, उसका 2 गुना, आप देखो उसका 2 गुना यदि आप निकालोगे तो वो 162 के बराबर ही आपके पास आ रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपका जो 18 आया है संख्या वो बिल्कुल ही सही है। तो इस तरीके से तीसरा भाग आपके पास हल हो जाएगा। चलिए अब हम इसके चतुर्थ भाग पर बढ़ते हैं। चतुर्थ भाग में आपको बोला गया है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई है, उसने खजांची से रुपए 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो अभी आप देखो कि आप मान लो जो आपसे बोला गया है निकालने को आप उन्हीं को मान लो, तो आपने बोला रुपए 50 के नोट और आपने उनकी संख्या मान लीजिएगा x मान ली, और आपने इसी तरीके से मान लिया रुपए 100 के नोटों की संख्या y हो जाएगी।
तो अभी आपने देखो इनको मान तो लिया जो आपको बोला गया था। अब आप देखो कि आपको बोला गया है कि खजांची से उसने 50 रुपए के नोट और 100 के नोट देने के लिए बोला गया है। मान लीजिएगा उसने 50 रुपए के नोट लिए हैं तो 50x राशि हो गई, और 100 रुपए के वाई नोट लिए हैं तो 100y हो गई राशि। ये मिला के आप देखो ये तो 2000 होनी चाहिए, क्योंकि उसने 2000 रुपए ही मांगे थे खजांची से, तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर आप देखो इसको सरल करना चाहते हो तो देखो सरल भी हो सकता है। कैसे? अगर आप 50 कॉमन ले लें अर्थात ओमेनिस्ट ले लोगे तो x प्लस 2y बराबर, देखो ये आ जाएगा 50 गुणा 40, क्योंकि 2000 को तो आप ऐसे लिख ही सकते थे। तो आप देखिए यहां से 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा अर्थात x प्लस 2y बराबर आपके पास 40 हो जाएगा। तो अगर आप इसको समीकरण संख्या एक मान लें तो ध्यान रखें ये जो समीकरण है और ये जो एक आपने लिखा है दोनों एक ही हैं, देखने में बस आपको अलग लग रहे हैं। चलिए अब आपने ये तो लिख दिया पहला समीकरण, अब हम देखते हैं क्या इसमें दूसरा कथन कोई दिया गया है। तो हाँ बिल्कुल दिया गया है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, अर्थात नोटों की संख्या आपके पास 25 है, और नोटों की संख्या तो आप देखो x प्लस वाई ही तो आएगी, अर्थात x प्लस वाई आपके सामने 25 दिया हुआ है, तो इसको आप समीकरण संख्या दो मान लीजिएगा। अब आपको तो विलोपन विधि यूज करनी थी, तो देखिए विलोपन विधि में आप देख रहे हो कि यहां पर x का गुणांक एक है, यहां पर भी एक है, अर्थात अब आप इन दोनों को हल कर दोगे। तो देखो x प्लस 2y बराबर 40 है और आपके पास x प्लस y बराबर 25 है, तो अभी आप इनको घटा देंगे, क्योंकि घटाने पर आप देखिए आपके पास x वाले पद घट जाएंगे, तो ये माइनस 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 हो जाएगा, क्योंकि हर जगह प्लस है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है घटाने पर। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2y माइनस y बराबर, देखो ये आ जाएगा 40 माइनस 25। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास y बराबर 40 माइनस 25 अर्थात 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास y का मान आ गया। अब आपको तो x का मान भी निकालना होगा, तो आप देखो किसी भी एक समीकरण में रख दो। जैसे अगर हम समीकरण दो का सहारा लें तो देखिए आपके पास आ जाएगा x प्लस y बराबर 25 है समीकरण दो में, तो अब आप y का मान बस इसमें 15 रख दो, तो आपके पास x प्लस 15 बराबर 25 आ गया, अर्थात x का मान आपके पास 10 आ जाएगा। तो आपने x का मान भी निकाल दिया। और आप देखो आपको तो प्रश्न में बोला गया था कि आपको 50 और 100 के नोट बताने थे कितने कितने होंगे, तो इस तरीके से आपके पास जो 50 के नोटों की संख्या होगी वो x थी अर्थात 10 हो जाएगी, और जो y थी अर्थात 100 के नोटों की संख्या थी वो 15 हो जाएगी। तो ये आपके पास अभीष्ट उत्तर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं। इस भाग में आपको दिया हुआ है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक का एक नियत किराया है, जबकि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया होगा। फिर आपको बोला गया है कि यदि सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी तो उसके लिए उसने 27 रुपये अदा किए हैं, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी तो उसके उसने 21 रुपये अदा किए हैं। तो आपको नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि अगर आप 3 दिन तक कोई भी पुस्तक रखते हैं तो आपके पास फिक्स किराया है। नियत किराया मतलब जो कि फिक्स चार्जेज है, मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा, वो आपको लगेगा ही लगेगा, चाहे आप 1 दिन किताब रखें, चाहे 2 दिन, चाहे 3 दिन। लेकिन यदि आप 3 दिन से अलग एक भी दिन एक्स्ट्रा किताब रखोगे तो उसके लिए आपके पास पर दिन के लिए अलग किराया होगा। तो मान लीजिएगा जो आपसे बोला गया है उसको आप मान लीजिएगा, तो माना नियत किराया। अब ध्यान रखें नियत किराया 3 दिनों के लिए है, तो वो आपने x मान लिया, और स्वाभाविक सी बात है वो रुपए में ही होगा, क्योंकि मात्रक हर जगह आप देखिए रुपए ही दिया हुआ है। और इसी तरीके से आप अब मान लेते हैं कि प्रतिदिन का जो किराया है अर्थात एक भी दिन अगर एक्स्ट्रा रखोगे आप 3 दिन के बाद तो आपके पास वो y रुपए है। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास दिया हुआ था कि सरता ने 7 दिनों तक एक बुक रखी है, तो अब देखो 7 दिनों तक यदि एक पुस्तक रखी है तो 3 दिन तक के लिए तो उसके लिए एक फिक्स किराया लगेगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सरिता के लिए, तो फिक्स किराया x लग गया। अब 7 दिनों में देखो 3 दिन तक के लिए तो उसका x लग गया, तो उसने एक्स्ट्रा बेसिकली 4 दिन रखी है, क्योंकि आप देखो 3 दिन तक फिक्स है तो 7 दिन यदि उसके करने हैं मतलब 3 दिन के बाद 4 दिन और किए हैं उसने यूज, तो x प्लस 4y, क्योंकि 1 दिन का किराया एक्स्ट्रा जब रखेगी तो y रुपए है, तो 4 दिन उसने रखे हैं 3 दिन के बाद, तो ये 4y हो गया, और ये उसके पास 27 रुपए हैं।
तो इसको आप समीकरण संख्या एक मान लीजिएगा। अब इसी तरीके से आप देखो कि सूसी के लिए आपको दिया हुआ है कंडीशन, तो उसमें बोला गया है कि उसने 5 दिन तक एक किताब रखी है, मतलब एक्स जो कि 3 दिन तक तो फिक्स रहेगा। अब देखो 5 दिन तक रखी है, इसका मतलब 3 दिन के बाद उसने अतिरिक्त 2 दिन और रख दी वो किताब, तो उसके लिए अतिरिक्त जो किराया होगा वो 2y आ जाएगा। और ये मिला के आप देखिए उसको बोला गया है 21 रुपए, क्योंकि उसने टोटल तो 21 रुपए अदा किए हैं, तो ये आपके पास 21 आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास x और y बेसिकली निकालना है, और दो चर हैं, दो समीकरण हैं, तो आप इसे हल तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, अर्थात विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये प्रश्नावली में हमने अभी तक विलोपन विधि का ही यूज किया है, तो हम विलोपन विधि से ही इसको हल करते हैं। तो देखिए आप देख रहे हो यहाँ पर x, यहाँ पर भी गुणांक 1 है और यहाँ पर भी गुणांक 1 है, अर्थात यहाँ पर आप इनको पहले एक के नीचे लिख दीजिएगा एक दूसरे को, तो आपने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से देखो आपको यहाँ पर ये सोचना होगा कि क्या हम घटाएं या जोड़ें, तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, अगर आप जोड़ोगे तो ये कटेंगे तो नहीं, ये 2x हो जाएगा, अर्थात अब आपको घटाना पड़ेगा। तो देखो घटाओगे तो ये प्लस है तो ये आपके पास माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये कुछ भी चिन्ह नहीं है अर्थात प्लस होता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा यहां से। तो आप देखो कि x में से आप x घटा रहे हो तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा 4y-2y बराबर, अब देखो 27-21 आ जाएगा दाएं पक्ष में, तो यहां से 2y बराबर 27-21 यदि आप करोगे तो 6 आ जाएगा, अर्थात y का मान आपके पास 3 आ जाएगा। अब आपने y का मान तो निकाल दिया, तो अब आपको x का मान भी निकालना होगा। तो देखिए अब आप समीकरण 2 में रख सकते हैं या समीकरण 1 से हल कर सकते हैं, तो जैसे हम समीकरण 2 से ही हल कर देते हैं, तो आप देखो आपके पास x प्लस 2y बराबर 21 दी हुई थी द्वितीय समीकरण, तो आप y का मान यहां पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 2, y का मान 3 है, तो अर्थात 2×3 बराबर 21, तो x प्लस 6 बराबर 21 आपके पास आ गया, तो यहां से x का मान 21-6 अर्थात 15 आ जाएगा, इसका मतलब x 15 आ जाएगा। तो अब आपको x और y के मान ही तो ज्ञात करने थे, क्योंकि x और y ही तो आपने माना है नियत और प्रतिदिन का किराया, तो इस तरीके से आपके पास नियत किराया जो x रुपए था वो अब 15 रुपए आ गया आंसर, और प्रति एक दिन का जो अतिरिक्त किराया लग रहा था 3 दिन के बाद वो आपके पास 3 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज होगा। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को हल कर दिया है।